अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक, बढ़िया, अच्छे से। वेलकम अगेन टू दिस न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आपने कल का वीडियो देख लिया। कल हम प्रिपरेशन कर रहे, तो फाइनली आज एग्जाम है और अभी 10:30 बज चुके हैं, 11 बजे हमें वहां पहुंचना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं पहले कपड़े लगाता हूँ, आई नीड टू गेट रेडी, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। सो दोस्तों, मैं तो रेडी हो गया एंड एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। तो बिना प्रैक्टिस किए, बिना कुछ पढ़े हो, चले हम एग्जाम देने चलते हैं एंड सी हाउ इट इज गोइंग एंड होप प्रे फॉर मी, मे बी कुछ हो जाए। चलिए आगे आपसे बात होगी। तो दोस्तों, लगता है जैसे आज पक्का बर्फ होगी एंड स्कूटी पे जाना है, सो ठंड लग रही है। ऊपर से मैंने ग्लव्स खो दिया है एक हाथ का, तो आप देखेंगे क्या करेंगे। फिलहाल हम चमक छलों को निकालते हैं, तो आपसे बात होगी बड़गाम में। सी यू देयर। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया, मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल के बाहर पहुंच गया और यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से चेकिंग वगैरह हो रही है एंड लेट अस सी क्या होगा आगे। इतनी गाड़ी है। एग्जाम यहाँ पे था ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन, तो अभी निकले। सो एग्जाम तो हो गया खत्म एंड पेपर तो आई डोंट नो, मैं बाद में बताता हूँ आप सबको। फिलहाल ठंड है बहुत एंड आई हैव टू लीव। तो दोस्तों, हम एग्जाम देके आ चुके हैं एंड यार इतनी ठंड लगी स्कूटी पे, मैं तो फ्रीज हो गया। तो सबसे पहले क्या किया थे, ये काफी ले ली, इसकी हालत खराब है, तो मैं सोचा पहले मिशन यार करता हूँ। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे पेपर्स है। सो पेपर तो क्या बोलू मैं यार, समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज व्हाट वाज दैट। और यहाँ पे अब शाम को शायद आंसर किया गया, आई एम गोना चेक कि मैंने कितने किए क्या किए। सो दिस वाज टुडे माय पेपर और मोर इम्पोर्टेंटली मैंने कुछ पढ़ा नहीं था ऑनेस्टली, लाइक जो था जो किया सो किया, खुद किया, कॉमन सेंस से किया और तुक्को से किया और थोड़ा बहुत कुछ पता भी था। तो अब शाम के टाइम देखेंगे कि आंसर की में क्या आएगा। फिलहाल यहाँ पे अभी इमामबाड़ी में कुछ हैं तो मैं चलता हूँ, क्योंकि बारिश रुक गई, मैं तो बकरगोट विश्व, तो चलिए देखते हैं इमामबाड़ी में क्या हालत है अभी। तो दोस्तों, इमामबाड़ी पहुंचते ही यहाँ पे लोग निकल रहे थे क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोग्राम था जहाँ पे वो समाप्त हो चुका। तो देख लीजिए गाड़ियाँ में लोग जा रहे हैं, तो हम अंदर चलते हैं। तो हम अंदर चलने के लिए बिल्कुल तैयार और देख लीजिए यहाँ पे किताबें वगैरह भी बेच रहे थे कोई अंकल जी, सो इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन, तो चलिए अब अंदर चलते हैं, ज़्यादा लेट होगा। तो दोस्तों, सारा प्रोग्राम तो समाप्त हो चुका था, हम तो लेट आ गए अपने ऑलरेडी सुना। और यहाँ पे चाय अभी पी रहे थे हादी साहब और इनके अलावा जो यहाँ पे आज मेहमान थे, शायद इनका नाम मोहसिन साहब है, मुझे पूरा पता नहीं है, तो ये भी थे। देख लीजिए हादी साहब इनके पास बैठे। इनके अलावा यहाँ पे निसार मास्टर जो 12 मागम से रहते वो भी थे, तो बहुत सारे यहाँ पे मेहमान थे, तो हमने इनका भी शॉट लिया। तो आज हादी साहब को बहुत टाइम के बाद, आई थिंक 4-5 महीनों के बाद इतना क्लोजली देख लिया, सो इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस देयर। तो सारे के सारे जो लोग थे वो भी वहीं पे थे, चाय वगैरह पी रहे थे। इंतज़ाम भी चाय का था बाहर से, तो देख लीजिए। तो दोस्तों, अभी आपने देख लिया हम इमामबाड़ी में आ गए थे, तो यहाँ हादी साहब वगैरह चाय पी रहे हैं, सो हम फिलहाल यहीं पे रुके एंड हमें भी चाय मिली, शुक्र अब बसकुन। तो देख लीजिए यहाँ पे रियाज है, तो हमारी चाय भी यहाँ पे है, तो यहाँ से आगा साहब बैठे, तो हम आपको बाद में दिखाएंगे थोड़ी सी क्लिप, अभी हम चाय फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे नज़ीर भाई बैठे थे, तो नज़ीर भाई का शॉट तो बनता ही है, ये तदबीम नहीं कोई सी मज़े तक, बाकी तो दूर के थे। तो देख लीजिए यहाँ पे जाकिर साहब ये हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे इनका भी नाम नहीं पता, मैं कितना लाइक डम, आई डोंट इवन नो द नेम। तो ये सब बैठे थे, चाय पी रहे थे एंड इसी के साथ के जो आज का ये जो फंक्शन था, इसकी जो आज मेन फंक्शन क्यों था, वो ये था क्योंकि आज जो आगा साहब थे जनाब आगा सईद मोहम्मद, उनकी आज सालगिरह थी, डेथ एनिवर्सरी। तो उसी मुनासिबत से आज यहाँ पे सारा का सारा जो प्रोग्राम था तो वो इनका था। तो यहाँ पे एंड पे जो सारे के सारे थे यहाँ पे काम करने वाले, हम कह सकते हैं जो काम करते हैं, तो सारे यहाँ आगा साहिब के साथ फोटो के लिए खड़े हुए।
तो दोस्तों घर पे तो चाय वाय पी, अब सोचा कि रेस्ट कर लूं, बट वापस मोहम्मद को ढूंढने जाना है। मासी बोल रही थी कि सोच गुम्बद शायद इमाम बाट में, तो पहले उसको ढूंढ के लाता हूँ। तुम्हें मैं दाब जो रहा हूँ क्या, तो देख लीजिए इसको हम ढूंढ रहे थे और ये यहाँ पे खे रहा है। मोहम्मद चाहिए छाना कर, चिक जाओ खुना घर या घर के जाओ खुना। तो दोस्तों ये घर आने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, बोल रहा था इनके साथ आएगा, इन इसको खेलना है, और इवन दो अभी वहाँ पे कोई नहीं था बट इसको फिर भी खेलना था। ये रेडी नहीं हो रहा था बट फिर भी मैंने इसको ज़बरदस्ती घर ले ही जाना है। तो इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो एंड, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।